Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan, and the topic is section three that relates with trade unions and freedom of association. Section 3 of the Industrial Relations Act 2012 states Trade Unions and Freedom of Association. Heading hai, trade unions and freedom of association, section three ki ye heading hai. सेक्शन थ्री कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ये जो फ्रेज है यह क्या कह रहा है कि आपने ट्रेड यूनियन से मुतल ताबे रहना है सिर्फ इस लॉ की प्रोविजंस के एंड नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और कहा यह जा रहा है कि किसी और लॉ में जो कुछ भी लिखा है उसको मद्देनजर हरगेज हरगेज नहीं रखना बल्कि आपने ट्रेड यूनियंस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के जिमन में यह जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व का सेक्शन थ्री है और जो ये लॉ है इसके ताबे रहना है सेक्शन थ्री सब सेक्शन ए क्या कहता है कहता है वर्कर्स विदाउट डिस्टिंक्शन वट्स तो हर किस्म का वर्कर जो है शेल हैव द राइट टू स्टैब्लिश के वो ट्रेड यूनियन को स्टैब्लिश कर सकता है और किन चीजों के ताबे रहना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनके ताबे रहना है और वो ज्वाइन कर सकते हैं सब इंटरनेशनल एसोसिएशन को जो कि उनकी चॉइस है और ये वो विदाउट एनी ऑथराइजेशन कर सकते हैं इसकी प्रीवियस ऑथराइजेशन किसी से लेने की जरूरत नहीं है लेकिन साथ ही एक प्रोविजो लगाया जा रहा है प्रोवाइडेड से प्रोविजो स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड का मायनिंग है या वो रिलेट करता है एक टर्म से जिसको कहते प्रोविजो प्रोविजो क्या करती है कि पहले जो लॉ में बात की गई है उसके साथ कंडीशन एडिशन या एक्सेप्शन लगा देती है तो यहां पर यह जो ऊपर बात की गई है कि ट्रेड यूनियंस बनाई जा सकती हैं उनमें शामिल हुआ जा सकता है और ये लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो ट्रेड यूनियंस से मुतलका हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये ज्वाइनिंग करने के लिए उन्हें किसी प्रीवियस ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है लेकिन शर्त ये है अब ये उन्होंने एक बात इसमें एडिशन कर दी है शर्त लगा दी है प्रोवाइडेड दैट इन द दस्टैब्लिशमेंट वेयर वुमेन आर आल्सो एम्प्लॉयड द ट्रेड यूनियन शैल इंक्लूड द वुमन इन द एगजेक्टिव ऑफ द सेट ट्रेड यूनियन विद द सेम प्रोपोर्शन इन विच दे आर एम्प्लॉयड इन द दस्टैब्लिशमेंट तो ये बात ये की जा रही है कि जो वुमन वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेड यूनियन में उतनी ही नुमाइंदगी दी जाए जिस मकदार में वो जिस तादाद में वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड हैं प्रोवाइडेड फर्दर ये फिर प्रोविजो लगाया जा रहा है कि नो वर्कर शैल बी इंटाइटल टू बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ट्रेड यूनियन ये कदगन लगाई जा रही है प्रोविजो के जरिए से प्रोविजो क्या देता है एडिशन कंडीशन या एक्सेप्शन तो ये क्या लगाई जा रही है कंडीशन लगाई जा रही है कि एक जो वर्कर है वो एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड यूनियन का मेंबर होगा अगर वो दो ट्रेड यूनियंस की मेंबरशिप लेता है तो पहले वाली ट्रेड यूनियन जो है उसकी मेंबरशिप उसकी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो ये बता रही है कि एम्प्लॉयर्स विदाउट डिस्टिंक्शन वट्सो एवर यानी हर एम्प्लॉयर जो है उसके पास ये राइट right है कि वो स्टैब्लिश कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के साथ स्टैब्लिश कर सके किसी भी एसोसिएशन को जो एम्प्लॉयर्स की हो और वो ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ देयर चॉइस विदाउट प्रीवियस ऑथराइजेशन नेक्स्ट जो इस सेक्शन की प्रोविजन है वो बताती है कि एवरी ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन शैल फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स टू इलेक्ट इट्स रेप्रजेंटेटिव इन फुल फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज एंड टू फार्मूलेट इट्स प्रोग्राम्स कि हर जो ट्रेड यूनियन है वो वर्कर्स की है या एम्प्लॉयर्स की है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकती है और रूल्स बना सकती है अपने रिप्रजेंटिटि को इलेक्ट करने के लिए ताके उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और एक्टिविटीज चलाई जा सकें और प्रोग्राम्स जो हैं वो फॉर्मुलेट हो सकें नेक्स्ट जो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन है वो कहती है वर्कर और एम्प्लॉयर्स की जो यूनियंस हैं एसोसिएशंस हैं वो फेडरेशंस को ज्वाइन कर सकती हैं वो कन्फेड्रेशन को ज्वाइन कर सकती हैं और अपने आप को अफिलियट करवा सकती हैं विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंफेडरेशन ऑफ वर्कर्स नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है तो ट्रेड यूनियन बन सकती है और एम्प्लॉयर्स की एसोसिएशन बन सकती हैं तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये है कि वर्कर या एम्प्लॉयर अपनी मर्जी की जो एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं उसको अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं और कलेक्टिव बारगेनिंग का राइट right एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि खास तौर पर जो न्यू आइडियाज़ जो उनके हैं उनको एजर्ट किया जा सके और डायलॉग किए जा सके नेगोशिएशंस किए जा सकें माइडेड स्टूडेंट्स जो ह्यूमन राइट right है वो डिस्क्राइब करता है कि ये जो कलेक्टिव बारगेनिंग का राइट right है इट्स अ वेरी फंडामेंटल राइट और ये प्रमोट करने के लिए है परसू करने के लिए है और डिफेंड करने के लिए है कॉमन इंटरेस्ट